नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सबका स्वागत है, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ संगीत के प्रेमियों की इस सभा में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे, ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। सावन बिना चुनरिया भीगे, फागुन बिना भवन भीगे। ऐसी बारिश हो यहाँ पर बचे न कोई ठिकाना जी। जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। आपके मनोरंजन के लिए गीतों के साथ जो कथाएं हैं उनमें से एक है कि जब प्रभात स्टूडियो की नींव खुद वी शांताराम ने रखी थी तो क्यों उसी स्टूडियो से उन्हें अलग होना पड़ा, क्या था कारण प्रभात स्टूडियो को छोड़कर जाने का, ये मैं बताऊंगा। और बताऊंगा बांग्ला और हिंदी फिल्मों की सुपरस्टार सुचित्रा सेन के बारे में। फिल्मों से संन्यास लेने के बाद जब सुचित्रा सेन ने किसी भी पब्लिक फंक्शन और प्रोग्राम में जाना बंद कर दिया था तो वो कौन से दो मौके ऐसे थे जब सुचित्रा जी आम जनता के बीच आ गईं। इसके साथ आज की सभा में किस्से होंगे के आसिफ के, सौराब मोदी और कवि प्रदीप के। तो करते हैं आगाज आज की महफिल का और निकल पड़ते हैं सुहाने सफर पर। आज के सुहाने सफर की इब्तदा मशहूर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता वी शांताराम से जुड़े एक किस्से से। आज से कुछ 40-50 साल पहले भारत में संस्कार, परंपराओं, नियम कायदों की अनदेखी आज के मुकाबले बहुत कम की जाती थी। ईमानदारी थी, सदचरित्रता थी, शर्म हया थी, लज्जा थी। और इन्हीं की वजह से शायद उस समय का समाज और समाज में रह रहे अधिकतर लोगों के चरित्र काफी साफ सुथरे हुआ करते थे। आज मैं आपको भारतीय संस्कृति और मान मर्यादा परंपराओं में विश्वास रखने वाली एक फिल्म कंपनी से जुड़ा किस्सा सुनाना चाहूंगा। ताज्जुब की बात है, फिल्मी लोगों को समाज के तथाकथित कुछ शरीफ लोग कहते हैं, अरे ये तो ऐसे ही हैं। लेकिन फिल्मी कंपनी का मोरालिटी पर कायम रहने का किस्सा। 1930 और 40 के दशक में पुणे में एक मशहूर फिल्म कंपनी हुआ करती थी, नाम था प्रभात फिल्म कंपनी। प्रभात फिल्म का निर्माण किया था मशहूर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता वी शांताराम और उनके चार साथियों ने। प्रभात फिल्म कंपनी के बैनर तले मराठी की पहली टॉकी फिल्म अयोध्या च राजा और भारत की दूसरी रंगीन फिल्म सैरंधरी के अलावा अमृत मंथन, धर्मात्मा, अमर ज्योति, संत तुकाराम, दुनिया ना माने, गोपाल कृष्ण, आदमी, संत ज्ञानेश्वर और पड़ोसी जैसी मशहूर फिल्में बनी थी। इन फिल्मों में से ज्यादातर फिल्मों का निर्देशन वी शांताराम ने किया था। लेकिन संस्थापक सदस्य होते हुए भी 1942 में वी शांताराम को अपनी इस कंपनी को छोड़ना पड़ा। जिस पौधे को सींचा था, दरख्त बना दिया था, उसका ही साया छोड़ना पड़ा। कारण, कंपनी के नियमों का उल्लंघन। दरअसल प्रभात फिल्म कंपनी के सभी संस्थापक महाराष्ट्रियन थे, मराठी भाषी थे, पूरी तरह से भारतीय परंपराओं और संस्कृति में दृढ़ आस्था और विश्वास रखने वाले लोग थे। इन सभी ने मिलकर कंपनी के लिए कुछ खास विशेष नियम बनाए थे जिनका पालन करना हर एक का प्रथम कर्तव्य हो जाया करता था। पहला नियम यह था कि प्रभात फिल्म कंपनी से जुड़े सभी लोग सदचरित्रता का पालन करेंगे, चरित्रवान होंगे, नैतिकता का, संस्कृति का ऊंचा एग्जाम्पल, उदाहरण सामने रखेंगे। दूसरा नियम यह था कि कंपनी में कोई भी शादीशुदा अभिनेत्री नहीं रखी जाएगी। और इन दोनों ही नियमों के पालन में वी शांताराम असफल हो गए। हुआ यूं था कि साल 1941 में वी शांताराम ने प्रभात के बैनर में फिल्म पड़ोसी शुरू की, तो उसमें हीरोइन के लिए लिया उन्होंने एक नई अभिनेत्री को जिसका नाम था जयश्री।
फिल्म की शूटिंग के दौरान ही जयश्री और वी शांताराम के बीच में हो गया प्यार और दोनों ने कर ली शादी। वी शांताराम और जयश्री की शादी से प्रभात में खलबली मच गई, क्योंकि वी शांताराम पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पत्नी का नाम था विमलाताई, जिनसे उन्होंने 1922 में शादी की थी। इन्हीं विमलाताई की सुपुत्री हैं मधुरा जसराज, पंडित जसराज की पत्नी दुर्गा जसराज की मां। वापस आते हैं वी शांताराम पर। अब पहले नियम के मुताबिक एक पत्नी होते हुए दूसरी से शादी करना उच्छृंखल चरित्र का प्रतीक माना गया, और दूसरे नियम के मुताबिक शादीशुदा अभिनेत्री प्रभात में नहीं रह सकती थी, इसलिए प्रभात के पार्टनर्स ने जयश्री पर प्रभात छोड़ने का दबाव बनाया। उधर कंपनी के बाकी लोग भी वी शांताराम की शादी का विरोध कर रहे थे, सो मजबूरन वी शांताराम को अपनी ही बनाई प्रभात फिल्म कंपनी को छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। ये उस वक्त के लोग थे जहां नैतिकता, परंपरा, संस्कृति और जीवन के मूल्यों का बड़ी आस्था और दृढ़ता के साथ पालन किया जाता था, और इस परंपरा, इस उसूल के सामने बड़े से बड़े आदमी को भी झुकना पड़ता था, चाहे वो वी शांताराम भी क्यों ना हो। वापस आकर बताऊंगा कि फिल्मों से संन्यास लेने के बाद जब सुचित्रा सेन ने किसी भी पब्लिक फंक्शन और प्रोग्राम में जाना बंद कर दिया था, पूरी तरह से अवॉइड कर दिया, बैन कर दिया पब्लिक अपीयरेंस, तो वो ऐसे कौन से दो मौके थे जब सुचित्रा सेन आम जनता के बीच आई। सुचित्रा सेन के जीवन की ये घटना आपको सुनाऊंगा बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।